So, क्या पिया जा रहा है मिथन? मैं तो चाय पी रहा हूँ, बड़ी अच्छी कड़कदार। इसमें इलायची भी है, इसमें सौंफ भी है, इसमें दालचीनी भी है। तुम चाय पी रहे हो कि कुछ और पी रही हो? चाय और इसमें ढेर सारा प्यार है। ओ, ढेर सारा। तो इसमें अब मुझे तो कहना पड़ेगा, क्योंकि मॉरिसिया ने बनाई है, तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि एक बाल्टी भर के प्यार है। पब्लिक क्या गुनाह लाइव है? मैं, यस, लाइव। नमस्कार पंडित जी, का क्या हाल है? हाउ इज योर डैड? बहुत बढ़िया। मतलब वो तुम उनसे तंग हो या वो तुमसे तंग हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन? मुझे पता है कि तालीम भी हो रही है आई कुछ थिंक चीजें, तो यू आर गेटिंग ए अभी बिग चांस विद हिम। हाउ इज इट? सच बताओ झूठ बताओ? पहले झूठ फिर सच, दोनों सुनूंगा मैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही खुश हैं। इट कान बी बेटर। अच्छा, अब सच बताओ। ये कोरोना की जो डूज एंड डोंट्स हैं, आई थिंक वो ज्यादा ही बता दिए हैं हमको। कंप्लीट लॉकडाउन, एब्सोल्युटली नो स्टेपिंग आउट, सो इट्स वाह, नॉट इजी, यू नो, बिकॉज ही इज सच अ पर्सन हु लाइक्स टू गो फॉर हिज वॉक एंड बोथ मॉर्निंग एंड इवनिंग। मम अच्छा, ऑल्सो गोज आउट एंड आई हैपन टू बी हियर कलकत्ता और सिलीगुड़ी का कार्यक्रम करने के बाद, सिलचर, आई एम सॉरी, वहाँ का कार्यक्रम करने के बाद मैं यहाँ तक आई, और तब तक चीजें, सो आई केम इन वन सूटकेस, देन आई कुडंट गो बैक टू बॉम्बे। आई सी। सिलचर, माय एल्डर ब्रदर अमृतपाल इज फ्रॉम द रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज देयर, सिलचर। हाँ, डिड यू गो टू द कॉलेज? वाज इट पार्ट ऑफ नो, द इट वाज अ लवली कॉन्सर्ट इन अ ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम एंड वेरी वेरी लविंग पीपल, यू नो, म्यूजिक लविंग पीपल, सच लवली पीपल, ग्रेट टाइम। आई सी। या सो इट इज द लॉकडाउन इज एन इशू, बट मैंने जो बात कही थी नो, बट कि द अदर या थिंग इज दैट बिकॉज देयर इज अ लॉकडाउन एंड राइट नाउ वी आर डूइंग सो मच ऑफ म्यूजिक, यू नो, दिस इज सो वंडरफुल टू, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, कहीं जाना नहीं है, किसी को आना नहीं है, तो बहुत आराम से मुझे लगता है दिस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिस्ट उस प्रकार से एक अलग प्रकार की है, क्योंकि हमें बहुत एक इंटरनलाइज करने का मौका मिलता है। अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर नॉट वेरी जैसे कहते हैं अंदर में जाते हैं, यू नो, एंड आई एम ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, यू नो, जब बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होता है बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं, एंड आई थिंक फॉर अ मेजोरिटी ऑफ माई लाइफ दैट्स हाउ इट हैज बिन, बिकॉज आफ्टर तुषार्स गोइंग आई वाज सो मच इन द, यू नो, द रैट रेस ऑफ दिस एंड दैट, और ये करना है वो करना है, यू नो, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पाथ, यू नो, टू काइंड ऑफ नम योर सेल्फ, यू नो, गेट आउट ऑफ नम फ्रॉम द पेन एंड, यू नो, टू गेट आउट। But this is a wonderful time when we are getting so much of opportunity to sit with him for days over one bandish, you know. Koi bhi cheez ho, wo to he cannot say that he has to go for a walk, so it's wonderful. So we are all, you know, बापू पता है ना, बापू हम तो कम मेरे टीचर कमरे को में कैदी, बंद रहे हो। हाँ, बापू कम टीचर को कैदी बनाया है। एंड इट्स आई कैन नाउ विजुअलाइज के मीता और पंडित जी बहन, मीता एंड मीता डैड आर सिटिंग, हम तुम एक कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए। बापू, नेक्स्ट कंपोजिशन प्लीज। से भाई ये करना है वो करना है, एंड बिसाइड्स दैट देयर इज ऑल्सो वी स्टार्टेड दिस गुरुवार सभा, द वर्चुअल गुरुवार सभा ऑफ Yeah, द I saw that. विश्वविद्यालय। It's very nice, and you're giving हाँ, opportunity to so many students of the academy. वेल आई थिंक वी ऑल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ईच अदर, दे कैन सी गुरु जी एंड वी ऑल कैन चैट, यू नो, एंड देयर इज म्यूजिक, व्हाट एल्स डू वी वांट, यू नो, Well, that's a And today, incidentally, wonderful. also happens to be the first death anniversary of my cousin brother, who used to be the Oh principal of yes, that's Chandratamani Mahavidyalaya, true. Yes. Madan Pandit ji, Ah. who was formerly known as
Shankar Pandit ji, my cousin. And He passed away last year, na? Same day, yeah. Oh, acha, aaj hi tha. And that's sad, but my heartfelt condolences for that. To come to the idea, you know, for example, of compositions and looking at stuff, something struck. Acha, by the way, before I come to that, you would also hosting conversations. I see that. Yeah, sometime I was doing that, you know. You know, it's also a phase, you know, because you sometimes want to be so much, you know, you want to connect with everyone, and there's also a time when you don't want to connect, you don't want to do anything. Mm-hmm. I think that's also one of the reasons why after speaking so many months, right from when you were in Italy, today, it's only today that we get to be oh, there. Oh, I see. You're telling me that it's not because I slotted you today, it's because you were making all these nakras. Acha. Badla liya jayega. You know that anything you say, main sooth ke samet badla leta hun. That I'm the best buddy to have and the worst friend. I'm not an enemy to even dream of. I can't dream of you as an enemy, so. Oh, I see. So. Are we live? Yes, we are live. Okay. Acha, listen. Something that stuck me, or has stuck with me from our conversation just there, maybe yesterday or the day before, when you mentioned about the idea that you're having a chance to learn some rare stuff from your dad and guru, but the point that where do you actually use it? And my fight back was, not that fight back, but my point was that we as custodians of paramparampari gyan of, you know, of who are also, who have a chance to plug into some extraordinary inheritance or knowledge. It is also a responsibility in a way to learn as much, because the intangible heritage or the suksham or the abhod virasat jo hai, it lives in the memory of a master. Properties can be distributed after a master or maestros are gone, but knowledge, the intangible wealth they possess in their mind and their memory, can only be received when they are in our midst, when we have the opportunity. Like I wish I was in a lockdown with my granduncles, Bhai Avtar Singh, Bhai Gurcharan Singh, or with my eldest granduncle, Bhai Arjun Singh Tarangar. That I would be with them, or I could be with them. So I think you know, it's a very important conversation to have, in the sense that my thesis has been that we don't learn because we're learning something that we will get to use. But I think the greatest use of heritage is also to keep it alive for the coming generation. Maybe it'll have a life of its own in 50 years or 25 years. Maybe the next generation might have utilization of that. How do you see Vidya as such? From actually a young age, you know, without even knowing, I've been exposed to compositions which later I came to know that they were so so deep, you know, and what was the meaning of that, and in terms of the architecture of the bandish, wo kitni unme kitni filigree kaam hai unme. To jis parampara se main aati hu usme to compositions ka bhandar hai. और इतना भंडार है कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक जिंदगी, हम सब जानते हैं एक जिंदगी काफ़ी नहीं है उसके लिए, कितना सीखेंगे आप. और दूसरा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बंदिश पलटना, यानी कि आपका जो रियाज भी अलग अलग किस्म का होता है. एक तो आपके वॉइस का
जिम, लेट मी कॉल इट द वॉइस जिम, जो कि बहुत जरूरी है उसके मसल्स को इंटैक्ट रखने में और उनका स्टैमिना बढ़ाने में. दूसरे तरह का रियाज है जो कि कॉम्पोजिशंस वगैरह को आप बार बार उलटते फेरते रहिए, तो वो गाने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि जिस जिनके पास बंदिश का भंडार है वो इस चीज को समझ पाएंगे कि ये कितना जरूरी है करना, क्योंकि हर प्रत्येक राग में विलंबित ख्याल हुए, द्रुत व्यंजन हुई, तराने हुए, फिर उसकी गायकी भी है और गायकी उसके बंदिश के प्रामाणिक है. वो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द बंदिश. दैट्स हाउ वी हैव लर्न टू रेंडर एनी राग. सो फर्स्ट द कॉम्पोजिशंस हैव बीन टॉट एंड देन द एस्पेक्ट ऑफ द डेलिनेशन ऑफ द राग. बट कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग कि ये आप सब कर रहे हैं पर इसकी अपॉर्चुनिटी कहाँ है. नाउ दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन आई थिंक फॉर ऑल ऑफ दिस इंटेंजिबल हेरिटेज जो हम लोग संजोते हैं, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है और परफॉर्मिंग आर्ट को जिंदा रखना ठीक है, एक तरह से आर्काइविंग है, पर इन विधाओं को जिंदा रखना सबसे उसके लिए जरूरी है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटीज इन कॉम्पोजिशंस को परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटीज, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो दिनों दिन कम हो गई हैं. मैं तो देखती हूँ कि हर 5 साल, हर 6 7 सालों में ऑडियंस का मिजाज भी चेंज है, और क्योंकि हमारा संगीत जो है एक एक टोटल टोटल सोशल सोशली उसका किस प्रकार से माहौल है उस पर डिपेंडेंट है. तो इसको एक प्रकार से बढ़ाना, एक तो ये है कि आप आर्काइव करिए कि एटलीस्ट दे आर नॉट लॉस्ट, एंड द अदर थिंग इज टू टीच. एंड आई थिंक आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है हु हैज ऑल देयर लाइफ गिवन फॉर टेकिंग इट फॉरवर्ड. सो बी इट शंकर गांधर महाविद्यालय विच वॉज मेंट फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, टू द गुरु शिष्य परंपरा वेयर सो मेनी स्टूडेंट्स यूज टू लिव इन ग्वालियर. दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है, बड़े शहरों में अभी पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज वी आर ऑल इन फ्लैट्स, यू नो. परंतु ये बहुत जरूरी है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, और सिर्फ परंपरा को ही नहीं, ऐसे जो जो गाते ऐसे जो विद्यार्थी हैं, ऐसे शिष्य जो हैं जिनमें स्पार्क है, वो चीज आगे बढ़नी चाहिए. एंड आई थिंक दैट आई ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू सो बिसाइड परफॉर्मेंसेज, इफ देयर समथिंग विच आई एंजॉय बिसाइड कंपोजिंग एंड वर्किंग ऑन अदर कॉम्पोजिशन इज टीचिंग. एंड इनफैक्ट इन द शंकर गांधर महाविद्यालय, इन द गुरुवार सभा ऑल्सो आई हैव मेनी ऑफ द ब्यूटिफुल आर्टिस्ट हैव प्रेजेंटेड देयर म्यूजिक एंड आई फील वेरी हैप्पी. आई थिंक इट्स ग्रेट ग्रैटिट्यूड, यू नो, टू द लॉर्ड टू चूज मी टू बी बॉर्न इन दिस फैमिली. Right. The other thing that you said was also very interesting, which you briefly mentioned about the idea of the concerts, के एक तो समा जो है कि बाहर जब हम लोग सब जाते हैं वहाँ 3 घंटे 2 घंटे परफॉर्मेंस है. Here the performances are about 40 minutes to an hour and a quarter, as you sometimes do mention. That how much, I mean, you hardly or barely get to perform that. My Okay. granduncles, by avatar saying, not my elder granduncle, my granduncle wouldn't care hoots. He lived in a different mandala, my elder one, by Gurucharan. But by avatar saying would often note that before I came along,
or later 80s when I came into their lives and they into mine, literally. 87, he would say that what all they learned, if you were to make an estimate, barely 2% of the knowledge they have actually, that they learned, they were actually able to perform. And this was after like 40, 45 years of performance at that time. And they were like 1915 and 1920s born, two of my grand uncles. And by the time we documented a lot of the work, they wrote down nearly 500 compositions for Punjabi University Patiala, rare repertoire, which was Mehngal, which was never taught outside. And only if you had it from before, you had it. That's why most singers of Gurbani have no idea. Big names, they are very big names, but they don't have that core knowledge, or they never had it in the sense their teachers and stuff didn't have it. At the end of the documentation that I brought in, ushered in, it took me 3, 4, 5 years. At the end, they said, well, now we have sung about 5% of what we learned. So the point is that I think that that is a lesson for us. I mean, our generation, in which that we must learn as much as we can. And you beautifully said that there are ways. I mean, even if we don't get to perform, we can teach that. We can save that knowledge and from dying. And now we have multiple tools. We can, instead of just writing it before, I mean, my grandfather's diaries, you know, in that, you know, Akshar is written, you know, Brajavanta, Banabana, Dali, Mia Tansen's Drupad. No gharana or no school actually remembers that Bahar's Japtal, for example. But on that Brajavanta, he died in 86. So my grandpa Gyani Bhagat says that Brajavanta ke upar ek jagah pe ek likha hai, phir kisi akshar ke upar do likha hai, phir teen. Ab banda soche kya hai, tali hai, kahan pe aa raha hai, par beech mein kya hoga. It's just a personal recall system. कि उन्होंने अपनी याददाश्त के लिए कि यार मैं कभी भूल ना जाऊं कहीं जब सीखी तालीम ली अपने उस्ताद मेरे ग्रेट ग्रैंड अंकल बाबा ज्वाला सिंह से या अनदर ग्रेट लेजेंड उस्ताद भाई बतन सिंह वाज द माइस्ट्रो ऑफ द महारानी ऑफ कपूरथला एट द टाइम वन ऑफ द ग्रेट लेजेंड्स और भाई दल सिंह लुसाड़ा एनीवन एनी ऑफ द ग्रेट्स दैट दे मेड बट इन आवर टाइम्स वी कैन इवन रिकॉर्ड थिंग्स ऑन अ फोन सम वेरी गुड डिवाइसेस अकर. So our note keeping, note taking is very, very different. I mean, Pandit Sundar Battu is saying hellos to both of us, Satkartar Panditji, Namaskar. And look at him. I mean, look at the memory of the Shyam Chaurasi school and the Talwandi schools, the entire classical tradition, and the ambit of Punjab that he has. I think elders like that, like your dad and him and so many, all those elders who are in our midst, I think we all need to plug in beyond the idea of our schools or gharanas and inspire people who are around them or ourselves ke hum aa rahe hain kisi din baithenge aap document kare awaaz bhi record hai sab kuch hai baatein record hai. I think we are very fortunate. Of course one misfortune is that so many elders have gone, like you cannot plug in with your grandpa now, right? You have your dad. So that disadvantage is that some of the elder, the previous generation is gone, but when at that time the tools were not enough. But I think in these times we must do that mapping of knowledge, of memory. Ek to kuch log budhe hue hain jinke paas ilm kabhi nahi tha, naam hua, kuch 2-4 gaane, 50-60 gaane mashhoor ho gaye, career ji liya. But we are talking about people जिनके शायद दुनिया को मालूम ही नहीं कि क्या क्या खजाने कौन सी खान लेके बैठे हुए हैं. नाम मतलब हुए पर नाम मशहूरी सिर्फ किसी एक गाने के कारण हुए, एक नंबर नहीं था उनकी. कुछ लोगों को मालूम है कि कुछ है, कुछ परंपरा है, एक अलग किस्म की फेम है ना. ये फेम रिस्पेक्ट के साथ है, सिर्फ एक पॉपुलिस्ट नाम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल नाम है, जिम्मेवाराना नाम हुआ है. आई थिंक व्हाट हाउ डू यू थिंक ऑन दीज मैटर्स. आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये बात मुझे हमेशा से ही खटकती थी छुपन से ही, क्योंकि घर में इतने पंडितों उस्तादों का आना जाना और हमेशा से ही जो बातचीत है तो रागों के अलावा और तो कुछ बातें होती नहीं थी, रागों की बातें, बंदिशों की बातें. सो दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू रियलाइज दैट
It would be so nice that if I ever got the opportunity to record these masters. And I did get an opportunity, and Well, that you was when did I was a for the consultant Indira Gandhi, yes. at the IGMCA, the Yeah, Gandhi Indira National Gandhi Center Social for the Service. Arts. And unfortunately, वो 4 साल के बाद वो आगे नहीं बढ़ा, That's a because problem. I had a list of things, you know, to do, and And you list did of artists. 25 and Pai Baldeep Singh didn't figure in it. I know that. I क्योंकि remember क्या that है ना well. कि ये recordings जो हैं ये they are not आम, कोई आम recording तो है नहीं, कोई performance तो है नहीं कि आप 45 मिनट गा दीजिए, 2 घंटा गा दीजिए, ये राग है, ये तो बंदिशें हैं. और बंदिशों का भी जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तब भी देखना पड़ता है कि वो किस बैठना पड़ता है आर्टिस्ट के साथ. कभी कभी वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आउट ऑफ दिल्ली, सो आई वुड हैव टू ट्रैवल, यू नो, विद देम. फिर सो इट नखरे भी वाज होते हैं, जैसे तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि मीता वी हैव टू सेट, तुम नखरे करते हो कि अरे अभी मूड नहीं है, यू नो कल बैठे हैं बल्दी भाई, मे बी नेक्स्ट वीक. ऐसा तो शायद ख्यालों में हुआ होगा, ऐसे कभी हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं. मैं ये कह रही थी कि इस तरह से जो है वो जो है जो क्योंकि माल है, माल को निकालने के लिए ये सबका बस की बात तो है नहीं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू हैव अ कम्फर्ट. सो आई दे वुड हैव अ लॉट ऑफ कम्फर्ट विथ मी, बिकॉज आई हैव सीन मी ग्रो अप, यू नो. और मैं भी उनसे कह सकती हूँ, हक से कह सकती हूँ, ये वाली बंदिश दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए, इसका क्या मायने है, यू नो, ये इस यहाँ पर तो ये ऐसी गाई जाती है, यू नो, ऑल दिस काइंड ऑफ जो बहुत गूढ़ बातें हैं और जो पता होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट. तो इस प्रकार से होकर देर आर 25 आर्टिस्ट हु आर जिसको लोकार्पण हम कर पाए. पीपल कैन एक्सेस टू दैट लाइब्रेरी ऑफ देर आर डीवीडीज विच हैव बिन रिलीज, एंड ऑफ कोर्स आर्काइवल मटेरियल इज अवेलेबल देर. एंड एज यू वेरी राइटली सेइंग, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, एंड दीज थिंग्स आर जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, बिकॉज वी हैव मेनी वेरियस आर्टिस्ट इन डिफरेंट स्टेट, इन डिफरेंट जॉनर्स, बहुत सी चीजें हैं. But the problem is, Meeta, you see, being in the having served for 5 years in the executive of the National Academy of Music, Dance and Drama, and the kind of paucity of resources that we would always cry, the documentation is not happening, for example, as much as it should happen. Now, if I were to extend your, the analogy that you use, that these are just drops in the ocean. But drops in the ocean, okay, let's take and celebrate the drops in the ocean as long as the ocean could stay. Ocean is evaporating. It is evaporating with the memory, with the elders are the ones, they are ocean keepers. Oceans are with the ocean keepers. When the ocean keepers go, oceans go. So That's true. policy writers have really failed us, and I've been saying that since 47, the kind of mapping that should have been done by giving a Padma Bhushan or a Padma Vibhushan or a Bharat Ratna is not saving heritage. You're just saving one name for posterity. Okay, so and so got an XYZ award. But what about the knowledge? Right? If I were to ask the Karta Dhartas of our nation since 70, today is Independence Day, let's say 15th August, compliments to everyone. Many people are complimenting. Happy Independence Day and fest to both India and Pakistan, who celebrated 14th and 15th, the midnight strike. Two nations were formed out of one civilization. But I am a little iffy because millions died. It's like a, you know, childbirth, which was full of tragedies. But the point is that since then, the policy writers failed us. If I were to ask them, kitne logo ko aapne sanmanit kiya, dono taraf, और उनकी कोई मैपिंग है? डू यू हैव एनी मेमोरी ऑफ देम? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वन राग हियर, वन टू टू फाइव टेन कंपोजिशंस हियर एंड देयर, लाइक यू राइटली सेड व्हेन यू डिड दैट वर्क, हाउ मच टेल मी इफ यू रियली वांटेड टू स्टॉप आफ्टर 45 मिनट्स और 1 or 2 hours. वुडंट यू हैव वांटेड टू, कैन वी डू इट टुमारो, कैन वी डू इट टुमारो, अ फ्यू डेज विद एवरी मास्टर, इजंट इट? दैट्स हाउ इट्स बीन माई फीलिंग व्हेन आई हैव बीन कैरिंग अराउंड विद माई ओन कैमराज. बट इट्स अ पिटी दोज अरेंजमेंट्स आर नॉट डन. इट्स लाइक टोकनिज्म कि अच्छा आपकी 1 घंटा रिकॉर्ड हो गई फलाने आर्टिस्ट की, फलाने विद्वान की, हो गया काम. दैट इज नॉट हाउ यू सेव और यू अटेंड एज ए एज ए एज एन इंस्टीट्यूशन. यू डू नॉट डू दैट. और क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, आई थिंक इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज
these arts flourished at the time when there was patronage, yeah, and the patronage was from the courts. Courts, zimidaris. They, yeah, any privilege. My ancestors had four you know, mirasis at home who do run errands and, you know, etc., etc. Big households served anybody living within their domain or the fields and so on. So they took care of them. और आप इंडिपेंडेंस के बाद जो है बहुत से आर्टिस्ट आर टोटली ऑन देयर ओन यू नो टू लुक आफ्टर देमसेल्फ यू नो क्योंकि ये आर्ट पेट्रोनेज चाहिए होता है इसके लिए. आप करियर बना सकते हैं मीता, लेकिन आप परंपरा नहीं बचा सकते. With a kind of individual, you know, hand to mouth kind of a thing, our performance ke upar directly proportional. And then some of the elders who have not been, who are like Pandit Raghuveer Malik living in Patna, he cannot perform anymore. He can barely hear. Who's going to take care of him? Right? There's no insurance policy. This is not how you treat your memory bearers. If you handle them with care, if you honor them as they're approaching their, twilight, you know, when they're approaching their last, I mean, they're slowly coming to a halt. Bodies are crumbling, they're failing. Every person is aging differently. How do you honor them? Honor them so that you will inspire the youngsters that, well, if you became a Vidwan, the nation will honor you. The nation will take care of you. Because they will not take care of, they're not bothered about just how great you look, but how much of the nation you possess in you, how much you remember. I think bandishen jo hain, jinki hum baat kar rahe hain, they're synonymous with the idea, with the heritage, with the harvest of the centuries that have gone by. And I think it's, as you rightly said, it's important to think of these matters and to talk of these matters so that something must change. Yeah, and also the other thing is that one thing which I feel is that with the government, it's like this कि आपने एक बार कोई कोई चीज़ शुरू की, जब वो next लोग आते हैं तो बहुत सी बार जो है वो जो पुरानी जो चीज़ होती है उस चीज़ को sideline कर दिया जाता है. तो but this is heritage, you know, आप क्या, this is my heart breaks, you know, to think, you know, what is happening and how to preserve. And then ego and politics, that's also bali chadta hai. One of the great ustads who bragged with me, who used to work for the radio, who bragged with me once, because he thought, I'm not taking names of course, but I will tell the name of the maestro whose recordings were erased. That was Pandit Dilip Chandravedi. His recordings from Delhi radio were erased. His tapes were, you know, they would just change the dabba. कैसेट पुरानी कोई और डाल के उनके डब्बे में डाल दी, अंदर से डाल के दे दी. इट वाज पुट फॉर डेली रिकॉर्डिंग्स. दैट्स हाउ दे डिड एंड इट वाज ब्रैग दैट बिकॉज ही फॉट एंड फॉट एंड डिफीटेड माय फादर इन अ थिंग सो आई हैड टू टेक रिवेंज. आई डिड दिस. आई रिमूव्ड, आई इरेज्ड ऑल हिज रिकॉर्डिंग. अनदर डैमेज इज इंटेंजिबल हेरिटेज ऑल गॉन लाइक दैट. सो देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ डैमेजेस दैट हैपन. अच्छा, अब हम तुमने मामले की बात की, कुछ ऐसी चीज सुनाओ जो इन दिनों में रीटरेट की तुमने और कुछ तो दीदार कराओ कि जो एडवांटेज तुम ले रहे हो जिससे हम सब आज क्योंकि लेट मी स्टार्ट विद अ भजन व्हिच इज डेडिकेटेड टू माय यस आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया माय कजन ब्रदर यस लेट्स ऑनर हिज मेमोरी या Oh.
एक मिनट, कैन यू गिव मी अ मोमेंट? यू रिमेम्बर आई हैड शोन यू, वी आर ऑन द लैपटॉप ना, आर यू ऑन द लैपटॉप? कैन यू गो टू द सेटिंग्स दैट आई शोड यू, बिकॉज यू यूजिंग योर हेडफोन. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर वी आर ऑन द मैनुअल सेटिंग्स. इफ यू गो ऑन द टॉप लेफ्ट, यू विल सी थ्री डॉट्स एंड देन देर इज अ सेटिंग्स बटन इन इट. सेटिंग्स में गए हो? इफ यू गो टू ऑडियो एंड वीडियो एंड विच फोन इज चोजन, योर हेड प्लग इज चोजन डिफॉल्ट या कौन सा है, माइक्रोफोन कौन सा चुना हुआ है? माइक्रोफोन इज ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन. हाँ, उसको ऑफ कर दो. ऑफ ही है. ऑफ है वो. सेटिंग कितने पे थी अभी? ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन सेटिंग ऑफ है. हाँ, उसके नीचे बार है. माइक्रोफोन इज डिफॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस. हाँ, उसके उसके वो क्लिक करना जहाँ डिफॉल्ट लिखा हुआ है. उसके अंदर प्लग इन आ रहा है कोई, जो हेडफोन लगाया उसका दिखा रहा है वो? इफ यू क्लिक ऑन डिफॉल्ट डिवाइस, क्लिक ऑन इट, डिफॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस ड्रॉप डाउन, उसको क्लिक करो. दिस माइक्रोफोन रियलटेक. ये रियलटेक लगा हुआ है तुम्हारा माइक्रोफोन? इट्स अ फोन. हाँ, उसको कर दो, क्लिक कर दो उसको. ठीक है. और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक्रोफोन सेटिंग इज ऑफ ना? यस. एंड द लेवल इज, बार कितने पे है? सेवन पे. ठीक है, लेट्स ट्राई दैट नाउ, बिकॉज व्हेन यू वर सिंगिंग गोइंग अप देयर वाज अ क्लिपिंग हैपनिंग देयर. Sorry for the interruption, please. Better? Yeah, much better, much better. महाराजा
गुरुंगी कैसे गुरु संग महाराजा गुरुंगी कैसे गुरु संग सतगुरु संग सतगुरु संग सतगुरु संग महाराजा ढूंढूंगी सतगुरु क्या बात है, वंडरफुल। हम गुरबानी में भी जो गाते हैं, व्हेन समबडी डाइज वी सिंग अंजलियां, वी सिंग अलहानियां, एंड वी सिंग सद फॉर एग्जांपल। मारू हमारे गाया जाता है मौत के वक्त, मारू राग मारू। नहीं, ये तो पद है जो कि मैं जान रहा हूँ, मैं तो वैसे हाँ। बता रहा हूँ कि गुरबानी में हमारे यहाँ मारू इज टू डू एक्चुअली इज ए राग टू डू विद बैटल। मारू जो है ये इसमें मारू मारू राग मारू, और इसमें जिसे जिसका ब्लेंड है ना, मारू बेहाग का भी ब्लेंड जो है राग मारू इज द मदर ऑफ द राग, बेहाग का ब्लेंड है उसमें, अंग लगता है उसमें। But that is to do with battle. It was used to inspire people. But then in the battle, when they would die, their rites or the upon death, Anjaliya were also offered in Maru, in Achha. The same raga. So that was, and they would inspire also the people to fight the next day. That was very very. Anjaliya, तुमने सुनी तो नहीं होगी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कैसी जाती है। तुम्हें एलर्जी तो नहीं है ना गाने से? Are you talking to me? हाँ, मैंने कहा एलर्जी तो नहीं है ना गाने से, तो मैं no comments यानी कि मेरे गाने से वो चलती है, मेरा गला गुला तो उड़ा हुआ है, बट जस्ट टू गिव, तुम्हारे ब्रदर की कजन की है तो मैं गुनगुनाता हूँ। जी
कितना रेयर है, दिस इज एक्चुअल मारू राग एंड इसकी अंजलि है गुरु अर्जन देव जी की 16th सेंचुरी, लेट 16th सेंचुरी। सो मेरी श्रद्धांजलि जो है आपके मदन भाई को और शंकर पंडित, that's my cousin, yeah, yes, your cousin, talking of my great grandfather, yeah, no, yes, sure. Who's Madan Pandit, but yeah, I know, that can be confusing, that's why we call him Madan. that's true, but I feel very incredible because, you know, my grandfather, in his lifetime, I mean, what a voracious performer he was, aur usme bhi unhone, besides performing, ki performances, us vakat, इस प्रकार से करना, यानी कि दिन दिन में उनके तीन तीन कार्यक्रम होते थे, हाँ, सुबह दोपहर में और शाम को, यानी उनके साथ उनके और जो जो संगीत के रसिक हैं लोग जाते थे, और उसके अलावा ही फाउंड द बैंडविड्थ टू एस्टेब्लिश अ स्कूल, हैव अ नोटेशन सिस्टम, इतना उन्होंने सारे कॉम्पोजिशन जो उनकी मुख मुख जो ओरल ट्रेडिशन की है उनकी कॉपीज है हमारे। ओह रियली, अच्छा, आई वुड लव टू सी दिस बिकॉज़ आई रोट ऑन द नोटेशन सिस्टम, आई विश, बिल्कुल, मुझे मालूम नहीं था, आई वुड लव टू कवर दैट इन माय, तो कैसे बंदिशे कैसे लिखी हुई है उसमें कि हमें जो जो पूरी बंदिश है वो एक पूरे इसमें आती है, और जैसे अभी के जो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अगर कोई विद्यार्थी देख रहे होंगे, इफ दे हैव सीन द नोटेशन सिस्टम्स इन दीस टाइम्स व्हेन द बुक्स आर देयर, बोर्ड भातखंडे स्टाइल एंड पुलिस्कर स्टाइल, चार चार भाग में अगर मान लीजिए तीन ताल है तो इस प्रकार से तिलवाड़ा है तो चार 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 करके आएगा, ऐसा नहीं है, पूरा एक कॉम्पोजिशन, तो अगर हमें विलंबित ख्याल सिखाया जाता है तो वो एक पूरा ख्याल सिखाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसे और इस मात्रा पे, ऐसा नहीं है, इट्स अ फ्री फ्लोइंग, तो आप उसको किसी भी लय में गा सकते हैं, यानी अगर तिलवाड़ा चल रहा है धा की र की त धिन, या फिर धा सी र की त धिन, यू नो इट कैन गो इन एनीथिंग, इसको आप और गा लीजिए, तो पर्सपेक्टिव ऐसे बनाया हुआ है कि आप उसको खींच सकेंगे विदाउट लूजिंग द एसेंस ऑफ द ब्यूटी ऑफ द कॉम्पोजिशन। आई थिंक इट्स अमेजिंग, नो? या इट्स फैंटास्टिक, I would love and to also see the that. Way how they are, how, the way how they've been taught also. I think that's incredible. Yeah. I feel so grateful. So what gratitude, you know, to have such gurus who were not only great performers, but great teachers. They were because pedagogues. Teaching, yeah, they were pedagogues. Performing and teaching is two different things. ये जरूरी नहीं है कि जो अच्छा performer है, वो अच्छे प्रकार से उसको तोड़ के बता सके. क्योंकि this is like baby steps, ना? एक वो जनाब ने कहा कि मारू बिहाग, ये मारू दयाराम सरोलिया जी कह रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, ये जो मैंने गाया वो प्योर मारू था, मारू बिहाग जो है वो अलग है, मारू जो कल्याण अंग का ज़्यादा गाया जाता है आजकल, उसको कहते हैं मारू बिहाग है, पर ज़्यादा कल्याण दिखता है उसमें, वो मारू बिहाग का जो मारू का जो रूप है जिसमें दोनों मध्यमें लगती हैं वो अलग है। मैं उसका उदाहरण दे देता हूँ, इससे पहले कि मीता जी से हम गुजारिश है, मैंने कही थी कि
कुछ सुनाए आजकल जो उन्होंने अपने गुरुदेव और पिताश्री से जो सीखा है, वो जो दोनों मध्यम वाला जो है मारू का रूप वो ये है, वो भी अंजलि है बाय द वे। संजोग विजोग संजोग विजोग धोरो संजोग और विजोग ध्रुव ही हुआ गुरु अर्जन देव। पंच तत्व कर पुतला किया साहे कै फरमाए रहे देही विच्चे जियो आए पया। ये अगेन अंजलियां वक्त यानी कि शरीर का जो जाना होता है, रूप और शरीर का पार्ट यानी कि विदा विदाईगी जो है, विजोग जो है उस वक्त का ज्ञान है। सो ये आप जो दयाराम जी आप जो कह रहे हैं ये मारू बिहाग का जो जहाँ से निकला ये मारू के ये जो दोनों मध्यमों वाला जो रूप है इसमें से निकला है। आजकल मेरे दादा भाई कहते थे कि आजकल ज़्यादा दरअसल कहते चाहे मारू बिहाग हैं पर उनके जब गाते हैं तो कल्याणंग ज़्यादा दिखता है, उनका कहना था। अरुण मित्रा व्हाट व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आप तो ऐसा है ना कि जो राग आपके गाने वाले रागों की तो कोई सीमा ही नहीं है, इट इज बिग ओशन ऑफ नॉलेज। सो जिन रागों के बारे में आप गाते हैं यू आर द बेस्ट जज इफ यू सिंग इट। और बट इससे आई थिंक देयर वाज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर डिस्कसिंग द अदर डे टॉकिंग ऑफ द रागस के रागों के जो स्वरूप 20th सेंचुरी में बने स्टैंडर्डाइज किए गए एट टाइम्स वी सी इन द ओल्ड system they are different and there was an attempt by the so-called standardization agents ki wo paramparik gyan ko bhi badal dena chahte the ki nahi 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 purane to galat the anpad log the aisa humne standardize kiya hai tumhe bhi is tarah face karna padta hai kyunki for example I just recently did after nearly 40 years of education I have now recovered for example the two other lahaniya of Guru Nanak, which are there, but I had to restructure it, put the old text, original text along, according to the knowledge given, it's not my assumption, by my younger grand uncle, Bhai Avtar Singh, and my elder grand uncle, Bhai Gurcharan. तो वो वडहंस दखनी का जो रूप है उसमें तीवर निखार नहीं है और उसमें गंधार नहीं है, right? और जो उन्होंने विधि उस पुरानी compositions में मिली वो किस तरह मेघ से बचते हैं फिर भी, यानी कि सिस्टम है। पर आजकल कुछ लोग 25-30 साल पहले इकट्ठे बैठ के उन्होंने वढ़ंस दखनी, ना उनको वढ़ंस आवे है ना दखनी का मालूम है, वो नया ही राग बना दिया वढ़ंस को लेके। तो हाउ इज इट दैट यू फेस दिस, बिकॉज व्हेन यू आर एसोसिएटेड और यू आर कस्टोडियन ऑफ रेयर नॉलेज, रेयर कंपोजिशंस, रेयर राग फॉर्म्स, हाउ डू यू फेस how do you deal with the idea when you have to teach people, your dad has taught in the university, when you have to you sort of confirm or adhere to the standardized notions of a raga, which are newer concepts, newer constructs? How do you deal with as a parampara bearer? I can't tell you ki, what a beautiful question that you you're asking, because I have also done my PhD, which means I have also done my studies. पढ़ी लिखी हो, अच्छा नहीं मुझे नहीं मालूम था। नहीं, what I mean to say that I am educated and highly educated for that matter, you know it very well. But संगीत में क्योंकि ये आपने जो बात कही कि जो बंदिशें आपने oral tradition से सीखी हुई हैं और जो बंदिशें एक लेट मी
answer your question with an example. For example, ऐसे अनेक compositions हैं जिनमें अविर्भाव तिरोभाव है, तो composition में ही अविर्भाव तिरोभाव है, पर अगर इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए और एक स्कूल के बच्चे को, यानी कि somebody who's doing MA और MPhil, उसको आप सिखाएंगे तो उसको तो अगर एग्जामिनर समझदार नहीं होंगे वो तो उसको फेल कर देंगे, वो कहेंगे ये क्या गा रहे हो, ये तो ऐसा राग है ही नहीं, ठीक है ना, कहेंगे तो तुमने राग ही भ्रष्ट गाया तुमने, तो तुमको माइनस में मार्क्स मिलेंगे, यू सी। तो ये कॉम्पोजिशन, तो मैं जो एक बात कह रही थी कि कॉम्पोजिशन आप गाएं कहाँ, क्योंकि इनको आप एक कॉन्फ्रेंस में भी इनको गाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दे आर नॉट एडहियरिंग टू द वे हाउ द मेजोरिटी ऑफ पीपल आर हियरिंग इट, एंड हु आर द मेजोरिटी, द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर डूइंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज और फ्रॉम स्कूल्स, यू नो, जो जिनको इतनी इतनी तालीम नहीं है, उनको इतना नॉलेज नहीं है कि भाई ऐसे भी होता था, तो उनको हमें रखना पड़ता। मैं एक एग्जाम्पल आपको कोशिश करती हूँ, अगर मुझे याद आए तो, मैं एक आपको बंदिश, मैं जो अविर्भाव तिरोभाव की बात कह रही थी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये, पर मैं ऐसे गा नहीं पाती, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू चेंज इट, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज इट, एंड उस भाव में अगर मैं गाऊंगी तो हो सकता है देयर मे बी सम जजमेंट्स ऑन दैट। तो एक मिसाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, भोपाली में है, आविर्भाव तिरोभाव जो है तो अब इसको तो आप गा नहीं सकते ना, देशकार काम है ये, तो ये जो आप कह रहे हैं बात, इसमें प्रभाती, नो नो, बट प्रभाती फॉर एग्जांपल, प्रभाती लिव्स वेरी क्लोज, प्रभाती आजकल को गाता नहीं है, प्रभाती, बट डू यू हैव एन आंसर टू दैट? I have answers. Yes, I have lived. I have many answers. Look at this. ठीक है, इसमें तीव्र दिखा रहे हैं अभी, लेकिन बीच का अंग देखिएगा। राम जा 16th सेंचुरी, लेट 16th, गुरु राम, गुरु अर्जुन देव, राम जाप, राम जाप, राम 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 जाप, राम जाप, अंतरा कल कले से लोभ मोह बिन से जाए अहम ताप, राम 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 गैर गैर। सो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि ये जो गुच्छा है रागों का,
the whole idea of Shuddh Kalyan and Deshkar and Bhopali, Prabhati, Purana jo asa hai, Mita, it is shocking. The old asa is very similar and uska aroha aroha wo sare mapa hai nahi. For example, uski bhi tumhe, before we continue and give my answer to your, kya ho gaya isko? Asa ka, for example, jo swaroop man mein dikhana chahta hoon main, talking of this constellation of ragas, baba ar gobind na saad saunt manaye. Ab ye chalan de, aur ek aur dekho, Guru Arjun's again late 6th century, bekar maya mad so का आसा का सबसे पुराना रूप ये जाना जाता है हमारी परंपरा में. और सब भूख कल है, सब गाते हैं प्रभाती हो गए आसा. देखिएगा, बेकार माया माद सोयो सूज मुझे ना, बेकार माया माद सो कार माया माद सोयो सूज बुझे ना विकार. गुरु अर्जुन जोर से लगे, वी गो बैक इन टाइम नाउ. द आंसर दैट यू सेड, इसी लगे हाथ छोटा सा प्रमाण दरबारी का. आजकल दरबारी जिसे आसावरी मेल में कहते हैं, अब अगर हम उनको सुनाएं कि जो शुद्ध कानड़ा था वो आसावरी मेल का अलग था, उसकी जो अंतरे की तान है उसमें तीव्र निखार भी लगती थी. आज के लोग कहेंगे, अरे क्या बावरी बात करते हो, ऊपर से तो सरदार हो, ऊपर से रागों की बात. आजकल का स्टीरियोटाइप है, उनको मालूम ही नहीं कि पंजाब की तवारीख से वाकफ नहीं है लोग, कि जहां शास्त्र लिखे गए वेद लिखे गए, उनको मेमोरी का, उनको रागों की मेमोरी भी है. लोग भूल जाते हैं, भुलक्कड़ बहुत हैं, और उनको अपने कुएं से परे दिखता ही नहीं है कि और भी कुएं हैं, तालाब और समंदर भी हैं, या दरिया भी चलते हैं. अब उसके जो सबसे पुराना, जैसे हम लोग आप, जो हमारा जो एक्सेस है पुराने ज्ञान का, कितने राग हैं जिनके, कितने अंगों के, जैसे धनासरी कितने मेल हैं, पूर्वी मेल है, भैरवी मेल है, मुल्तानी, कितने मेल की, एक एक राग के कितने मेल हैं. सो शुद्ध कानड़े के काफी मेल का अंग अलग है, राइट. उसी का अगर हम आसावरी, जिसे आसावरी मेल की जो शुद्ध कानड़ा है उसमें दोनों निखार देखो, अंतरे की तान मा बने सानी आरे मारे सानी बनी ग. अब ये मा बने वो इस तरह करके दोनों को लेता है. एंड दिस इज लाइक a form that goes centuries back. How these standardizations, and you're right, when we sit in front of people, we are subject to judgment, and these people who are judging us do not have access to that knowledge. So my formula has been, which I have been served by to some extent, not bad, is I explain to them. I say, okay, here I'm going to sing something which is very interesting, that nowadays it is sung like this, but this is an ancient composition which has this form. People have been able to sort of digest it. I don't know, you would have tried that example or not, but I would. Abhi Barwa maine likha, dono. अब जैसे मारवा ये है अपना ललित है. ललित तो बहुत popular राग है ना. So I'm not even talking about the rags which you are talking, तो काफी अशोभ राग हैं, उनको आप आम नहीं सुनते हैं. ललित तो हम सभी सुनते हैं, ऐसा कोई भी ऐसा मॉर्निंग कॉन्सर्ट नहीं होगा जिसमें ललित नहीं आता. Am I right? Yeah. हम ललित शुद्ध देवत का गाते हैं, मारवा ठाट का गाते हैं. Wow. तो मुश्किल थोड़ा होता है. और एक थोड़ा सा सीजनिंग भी होती है कि लिसनर्स की,
कि आपने हमेशा उस वाले से सुना हुआ है। थोड़ा समय, दो लाइन दर्शकों या के लिए अभी थोड़ा। या या तो या इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट आई वुड से लाइक दैट या टू प्रेजेंट राग्स विच और बंदिशेस विच हैव अ लिटिल एज ऑन देम या आई वुड से इट्स अ लिटिल एज यू नो बिकॉज़ इट इज नॉट कंफर्म टू व्हाट इज कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स विच टुडे पीपल आर यूज्ड टू हियर या But I think like this, Bihag, Bihag jo hai, for example, Bihag everybody sings, right? Most popular raag. Without even madhyam bhi aap bahut aaram se ga sakte hain. To uspe bahut zyada uspe tivra madhyam ko maar maar ke dikhana zarurat nahi hai. Bilkul. Aapke ustad se hi maine suna. Haan, bilkul. One of my ustads. Dekho ab tumne, haan, kaho. जी तो वही मैं कह रही हूँ कि रागों के स्वरूप भी चेंज होते हैं बट आई वुड से जैसे कॉम्पोजिशंस हैं हम कॉम्पोजिशंस को नहीं छेड़ते हाँ बिल्कुल नहीं छेड़ना नहीं चाहिए बिकॉज़ वो उनको एंथ्रोपोलॉजिकली देखने की बात है ना कि वो उनमें कोई बात है कोई राज है जो फॉसिल है अब देखो ना, मैं तुम्हें शुभ बसंत कल्याणम की दिखाने लगा हूँ जो ललित सुनाई है आपने सुंदर बात कही देखिए ये जो कॉम्पोजिशन है जैसे कि देखिए आप आज आपने केता पहना है मैरून रंग का कल आप येलो पहनेंगे कल आप वाइट पहनेंगे उसमें आपकी पर्सनालिटी जिस तरह चेंज होती है उसी प्रकार से रागों में जब आप अलग अलग कॉम्पोजिशन सीखते भी हैं तो उनकी अलग अलग पर्सनालिटी उनके जो लेयर्स हैं वो लेयरिंग दोज लेयर्स जी जी अब ये देखो शुद्ध कल्याण जो शुद्ध बसंत जो खत्म हो गया आजकल सो कॉल्ड मॉडर्न हिंदुस्तानी शास्त्र जिसको हिंदुस्तानी शास्त्र उसमें है ही नहीं तो नीरे गामा जैसे उसमें क्या आप ये कंपोजिशन देखो दरबार साहब की राजा Yeah.
और मतलब कितनी देर के बाद मध्यम आया, कबीर साहब का ओरिजिनल देखिए, सेम कल्याणं का शुद्ध भजन, राजा राम माल्यायनत भाय, जय देखो तह रहे आसमाय। अब मध्यम, मौली धरती, अंग देखो इसका, मैनी दैनी रेसा, क्या अंग है, मौली धरती मौले आकाश, मौली धरती मौले आकाश, घट घट मौल्या आत्म प्रगास, द्वितीया मौल, संचारी इस तरह चलती है। पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि इन कंपोजिशंस के अंदर उस वक्त के, यानी कि इफ दिस इज अ कंपोजिशन दैट गोज बैक टू द अर्ली 15th सेंचुरी, दीज कंपोजिशंस आर नॉट टू बी फॉट ओवर के अरे राग का ये स्वर क्यों लगा इसमें, दिस इज नॉट, ये बच्चों वाली लड़ाई है। आपको ये देखना है कि आपको 15वीं शताब्दी में बंदिश लेके जा रही है, आपको उस वक्त के संगीत का पता लगेगा, उस वक्त राग को किस तरह किस बुजुर्ग ने छुआ, वो दे आर रिजर्वॉयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भैया मैं ये दुनिया वालों को कह रहा हूं कि इन बंदिशों की मूल्य पहचानो, जौहरी बनकर इन जौहरों को देखो, इनके जेवर देखो, इनके अंदर लिश्कें देखो, क्या क्या भरा है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, रागों के लगाव कैसे हैं, लागों की बर्ताव कैसे हैं, सुरों के जो संगत है एक दूसरे के, किस तरह आसपास के स्वरों से किस तरह स्वर जी रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में किन किन के साथ कैसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं, उनके अंदर म्यूजिकल स्ट्रक्चर कैसे बने हैं, कंपोजिशनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये एनालिसिस का वक्त है। और हम सिर्फ इस लड़ाइयों में जब हम देखते हैं करे इसने ये स्वर कैसे लगा दिया, आप पूछो तो सही उसकी तवारीख क्या स्वर लगने की ये देखते नहीं है लोग। तुम कुछ कह रही थी? नहीं, मैं सुन रही हूँ आप। वो मारवा, वो अपना जो मारवा मेल का जो, इसी तरह विभास याद है ना, विभास हम गाते हैं, भैरव अंग का गाते हैं, उसी तरह मारवा अंग का रात का विभास भी तो है, इसमें लड़ाई काहे की है। अब धनासरी की मैं बात कर रहा था, कितने स्वरूप है धनासरी, इसी तरह और रागों के स्वरूप है। अच्छा, भैरव की फहीम साहब की बात, वो मुझे मेरे दादाओं ने कराया कि उसमें दोनों निखादे भैरों में, और फहीम साहब बताने लगे कि पुराना एक भैरों का ध्रुपद है जिसमें कोमल गंधार लगता है तार सप्तक में लेकिन नीचे नहीं। अब पर ये विद्वानों की आपस में बैठक है ना, आम बंदा जिसको इल्म नहीं है वो अगर टिप्पणी करेगा तो क्या होगा। अच्छा, अब हमें आप सुनाएंगी कुछ जो आजकल कर रही हैं आप? सुन रहे हैं आपको। अरे मैंने तो उदाहरण देने थे, मैं प्रमाण दे रहा हूं ताकि तुम्हारे प्रमाण अकेले ना पड़ जाएं। तंग आ गई थी मेरा गाना सुन के? बिल्कुल अकेले नहीं पड़ेंगे ये बात होती है कि जो जो परंपरा के हैं उनको जीव का जो है परंपरा वही है ना, what it is, so that's exactly that we are talking about. अच्छा, आजकल कौन सा something that stood out that you've gotten a chance with your dad, something that you've done that you can share with us? Let me just hum a mukhra or something which very interesting and very I would say thought provoking, you know. I see. कौन से राग का सुना रहे हो? वही मैं सोच रही हूँ, क्या you are known to catch people unawares, no? कुछ नहीं करता यार, ऐसी मेरी reputation ऐसी नहीं है मेरी। That's what people think. That's what I do. So, जी. That's what people think behind my back.
No, not at all, not at all, not at all. So, okay, what, let's see, there are many things. That's the whole thing when you're spoiled for choice. Then Isn't let me it? actually put it like that. You Yes, are that's a good one is one. spoiled for choice as to what. But because we are not just we, and there are many of our loved people who are watching us, I will like to take an opportunity. एक आपको मैं मुखड़ा सुनाती हूँ, एक अष्टपदी का, बड़ा ही खूबसूरत, जिसमें टप्पे का पुट है. यू सी, इन ग्वालियर देर इज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ टप्पा. और टप्पा तो आप ही के प्रांत यस का है, इट पंजाब कम्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब की एंड फ्रॉम भाषा का है, कपूरथला, फ्रॉम इट इज द एंड. कपूरथला, तो फ्रॉम माय रीजन. आपके जो शादियों में भी टप्पे जो गाए जाते हैं, इट्स वेरी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग कैसे या वो गाए जाते हैं, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यस, दिस इज फ्रॉम वॉट द इज जॉन. यूज इन द क्लासिकल स्टाइल. जो आम व्यक्ति नहीं, उनको नहीं पता, उनको या लगता है वो टप्पे मीन्स दैट. एंड ये जो है बेसरा गीति से एसोसिएटेड है ये टप्पा. और फॉर दोज ऑफ अस हु माइट नॉट नो द टर्म टप्पा, इट इज अ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी सिस्टम. एंड मियां शोरी, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द इनोवेटर ऑफ दैट. From Fagwada and Kapurthala, एंड इट इज बेसिकली टप्पा एंड टपना, यू नो, टू उछलना, कूदना, फूदना. सो हाय इवन हाय, इट्स पंजाबी स्टाइल बोल दी में आपको तुमने. वो दिखेगा. इट इज लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट टैक्सिंग फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग. एंड इट वाई वाई इज इट टैक्सिंग? बिकॉज इट डिमांड्स इंस्टेंट प्रोट्रैक्टेड मूव अप एंड डाउन द सप्तक. एंड इट कॉल्स फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेशन अपार्ट फ्रॉम अ सुपर्ब, आई वुड से ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी. और हर व्यक्ति के गले में टप्पा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए दान तान का दाना होना जरूरी है. सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज दैट दैट इन 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 द तालीम, इनमें जो है तान के अलावा जमजमा, मुर्गी, खटका, यू नो, ये इसमें अलग होते हैं. ये ताने ख्याल के ताने नहीं हैं. ख्याल में जो ताने होते हैं उससे जुदा हैं ये. एंड इट इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर एवरी वॉइस. सो ये मैं आपको एक टप्पा सुनाती हूँ. But you आई mentioned आई Ashtapadi ki हाँ asthai, which is tappa ang, was what you were mentioning. हाँ तो मैं That's आपको very टप्पा नहीं exciting. सुनानी है, राइट. Tappa में, आई we'll गॉट come to इनटू the द tappa. कैरेक्टर Yeah, no, प्ले. we'll come to आई the विल, tappa, but हाँ, this यू is सी very व्हाट आई fantastic. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट इन ग्वालियर टप्पा हैज बीन यूज्ड, यू नो, एक्सटेंसिवली इन वेरियस फैसेट्स ऑफ वेरियस जॉनर्स, लाइक इन टप ख्याल, लाइक इन टप ठुमरी, लाइक इन टप तराना. एंड अभी आपने जो कहा कि मीता, व्हाट इज समथिंग व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग, सो आई विल टेल यू वन एक्साइटिंग कॉम्पोजिशन व्हिच इज हाईली एक्साइटिंग. जस्ट हियर द मुखड़ा एंड सी व्हाट अ कॉम्पोजिशन. नाउ दिस इज एन अष्टपदी. That's fantastic. Ashtapadi, for those of you who don't know this term Ashtapadi, they have been written by Swami Jayadev. और ये संस्कृत में है एंड दे आर हाईली इरोटिक काव्य है. इसमें आठ उसमें होते हैं, पर ग्वालियर में हम इसको ख्याल के रूप में गाते हैं. यानी कि हम आठ पद नहीं गाते, हम बेसिकली दो उसके पद लेते हैं और उसको आई ख्याल के रूप सी. में अच्छा, संयुक्त गाते अष्टपदे हैं. का टेक्स्ट लिया, उसकी दो सत्र, एक पदा का दो तुके, दो तुक क्योंकि लिए. वो देखिए, अगर आप अगर आठ गाएंगे तो 20 मिनट तो आठ गाने में लग जाएंगे आप, है ना. उसमें एक सेक्शन लिया उसका, 1/8 हाँ, बस सेक्शन उसका लेके. आई सेक्शन लिया, द फर्स्ट लाइन सी. एंड देन यू नो सम नाइस आई वुड से जिसमें ज्यादा पोएटिक वैल्यू होती है, यू हाँ नो, जो उसमें सुनने से, में हाँ फोनेटिक वो रेफरेंस एक लिया. दैट टेक्स अ बिग क्वेश्चन, आई मीन आंसर्स अ बिग क्वेश्चन दैट आई हैव हैड ओवर द इयर्स, के कभी अष्टपदी मैंने पूरी आठ पदे नहीं सुने. आई ओनली गेट टू हियर वन, सो दैट नहीं, वो एक्सप्लेन्स इट. डांस में लेते हैं हाँ, ना, आई सी, डांस आई में. सी, हाँ हाँ आई सी, बिकॉज वाह आई वाह. आल्सो संग फॉर डांसर्स, यू नो, तो उनमें जो वो अष्टपदी लेते हैं, बिकॉज दे आर मच वेरी मच इंटरेस्टेड, बिकॉज वी सिंग इट द इन होल प्रयाग. टेक्स्ट, या दे हैव टू डू अभिनय एंड ऑल दैट, या हाँ, तो हाँ, तो वो उसमें वो पूरा आठ पद. आई सी, आई सी. हाँ, तो ये मैं आपको भैरवी में एक है.
And the reason why I'm singing this is because this Ashtapadi, as I was just mentioning, कि हम जो हैं अलग-अलग genres में हमने टप्पे का जो ग्वालियर में टप्पा इतना celebrated है कि it has been इसके अब देखिए इस मैं भी गा रही हूँ माधवे सखी माधवे उसमें कितने खूबसूरत टप्पे के पुट हैं ये. It is not a टप्पा, it is an Ashtapadi जिसमें टप्पे का पुट है. And please enjoy this as I enjoy so much. माधवे सखी माधवे माधवे सखी माधवे माधवे के सखी माधवे माँ कुरु माँ मिनिमान मये माधवे सखी माधवे माँ कुरु माँ मिनिमान मये माधवे सखे माधवे 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 सखे माधवे. मैं आपको क्या बताऊँ, आई एम गेटिंग सो नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई लर्न दिस कॉम्पोजिशन विद तुषार. 90s में मैंने सीखा था एंड दैट टाइम हम आई थिंक हफ्ते में एटलीस्ट एक बार या दो बार सुमति आंटी के घर पे हम लोग जाते थे. बड़ा मजा आता था क्योंकि उनके घर जाते थे एंड शी वाज कुकिंग हाउस बनवाई थी यानी कि वो जो मराठी समझते वो अच्छा से खाना बनाती थी तो पिताजी ये लोग अपने सीरियस टॉक्स में होते थे एंड आई वुड बी ऑफ कोर्स वाचिंग व्हेन आई वुड गेट बोर्ड देयर वुड बी सम नाइस मराठी स्नैक्स टू मंच ऑन एंड ऑफ कोर्स हमारे आवर वेरी डियर उस्ताद असली खान साहब भी कितनी बार मुलाकात होती थी उनसे और बड़ा प्यार था उनका. इट वॉज ब्यूटिफुल आई मस्ट से दैट टाइम देखिए चर्चा होती थी. आई हैव नाउ अगेन रिफ्रेशिंग दोज मेमोरीज बिकॉज आई अगेन हैपन टू सिंग दिस एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट व्हाई नॉट जस्ट टेल यू कि कितना मजा आ रहा है इसमें एंड देन यू गेट नॉस्टैल्जिक कि कितना मजा कितनी चर्चाएं होती थी. शी यूज्ड टू बी वेरी गुड इन संस्कृत ना संस्कृत बहुत अच्छी आती थी तो वो बड़े अच्छे से विग्रह करके मुझे बहुत प्यार करती थी बताती थी. एंड सिमिलरली आई थिंक आई हैव वेरी नाइस मेमोरीज ऑफ माय रिसर्च वर्क ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ख्याल विद प्रोफेसर एस के सक्सेना साहब. इट वॉज सो वंडरफुल सो सच एन अमेजिंग पर्सन. These are both the elders we share very, very closely with, also very closely associated with her. He used to tell me, "Batao uske baare mein, Professor Saxena wali jo conversations rahi, share some thoughts, some of the memories that you have." So very interesting because I can't really remember what exactly my topic was, but it was about the analytical research on compositions. Ki composition pe analytically aap kaise, how do you work on them? So that was my research topic. एंड उन्होंने इतने अच्छे से वो बताते थे एंड यूज टू स्पेंड आवर आफ्टरनून और वो बताते थे ऐसे ये देखो ये ऐसे किया है ऐसे हुआ है विच इज़ वेरी वंडरफुल टू डाइग्रेस दिस थिंग एंड टू अंडरस्टैंड. जब आप कोई चीज़ समझ के गाते हैं तो कितना आनंद नहीं आता. बेशक स्वाद ही अलग होता है और सुनने वालों को आनंद आता है क्योंकि बाहोशी में गाई जा रही है यूं ही बेहोशी में. इट्स नॉट गोइंग ओवर द मोशन गोइंग थ्रू द मोशंस बड़ा फर्क है बड़ा एंड कितना मजा आता है ना जब आप कोई चीज
समझ के गाते हैं. एंड दैट्स व्हाई इवन व्हेन आई एम टीचिंग, यू नो, आई लाइक टू टेल देम व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, क्यों ऐसा है. एंड सिंस यू नो प्रोफेसर सक्सेना सो वेल, यू नो हाउ ही वाज. You know, he rewrote his essay on rhythm and aesthetics, for example. You know that? After, I mean, how do you, इतनी बुजुर्गी कहाँ मिलती है? आजकल इतनी हैंकड़ होती है. He rewrote, मुझे जब मेरी और फहीम साहब का संग, स्पेशली उन्होंने फरमाइश की when Manjula Behn, his daughter, was retiring. He had me play the Jodi Pakhawal with Fahim saab. And at that time he comes and says, अरे बल्दी भैया, his typical, अरे बल्दी भैया मुसीबत में डाल दिया रे. मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया, मैंने कहा क्या हो गया. कहने लगे अरे 35 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था रिदम एंड एस्थेटिक्स पे ब्रिटिश जर्नल ऑफ एस्थेटिक्स के लिए, मुझे अब रीराइट करना पड़ेगा. मैंने कहा अच्छा ये क्या बात कह रहे हैं. कहने लगे अरे बल्दी भैया आज तक मैंने ईगो एंटर होते देखी परफॉर्मेंस में, डिग्निटी पहली बार देख रहा हूं एंटर होती हुई, क्या बात है. वो ऐसे देन ही सेड के ये क्या बज रहा था. मैंने जब किया ही रोट एंड पुट माई नेम इन दैट विंग फॉर्म जो 2011 वाला वर्षन है. आफ्टर लिसनिंग टू द पखावज ऑफ द यंग भाई बलदीप सिंह, आई हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ विल्ड वेवर्डनेस. इमेजिन, मतलब दैट वॉज ऐसी बुजुर्गी और सुमति जी, यू नो हाउ वर सॉ दैट इज wonderful, you know, for us to share two elders who've been part of our conversations and our growth, our upbringing in a way. Yes. Kindly share some of the thoughts with what you did with Professor Saxena. Oh, one of them was homeopathy. Yes. He was my doctor too. And until he died, he wanted me to learn some of the yoga asanas from him. Did he teach you some of the asanas? He used to, for example, कभी प्रोग्राम होता था, you know, और गला खराब है तो अच्छा बायोकेमिक होमियो के साथ बायो वाली क्या होती, बायोकेमिक वाली उनका बोला अच्छा भाई ऐसा आ रहा है, कफ है, ये है, you know, कितनी बारीकी से वो ध्यान देते थे. I used to be like, क्या पूछ रहे हैं, you know? Do you remember his kela thing? His banana, he would go, he would tell me, अरे बल्दी भैया तुम केले खाते हो? मैंने कहा हाँ खाता हूँ. कहे के अच्छा केले ना जो एकदम जो पक जाए ना, गल जाए, वो खाने होते हैं. मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? कहे के हाँ मैं तो जाता हूँ ठेले वाले से कहता हूँ ये जो साइड में रखे ये दो मेरे को. कहे द बनाना इज द मोस्ट पोटेंट. मैंने कहा वो खराब नहीं हो जाते? कहते दैट इज वन फ्रूट जिसमें कीड़ा नहीं लगता है. मतलब कैसे कैसे, वाला सो मच इन न्यू. And we're talking about one of the finest philosopher and aestheticians of the 20th century. This guy was crazy. I mean, beautifully crazy. हाँ तुम बता रही थी conversations of the analysis of the khayal. Just excuse me a minute. Sorry. Yeah, yeah. Yeah. So, sorry, I got a little carried away. हाँ, so हम जो बात कर रहे थे कि कोई कॉम्पोजिशन जब आप समझ के गाते हैं, एंड मैं एक आपको कॉम्पोजिशन सुनाती हूँ जो हमने अपनी शुरुआती सीखने में जो बुक्स में है ना हमारे संगीत प्रवेश, my grandfather's books, basic compositions जो हमने सीखे हैं. और जब हमने उसका शब्दों का जो, it is not just about the राग and रागदारी किस प्रकार से आपको unfold करना है राग, but also the how the what the words are conveying. So, one of the compositions which I never liked, and then I finally started to like after so many years. So this is one. सुनाऊँ आपको? हाँ हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ. इंतजार कर रहे हैं. क्या चिट्ठी लिखाऊँ मैं, क्या किसी दस्तक करवाऊँ कि अल्लाह मियाँ से? हाँ.
धूप में है कॉम्पोजिशन, जी और सर जी, हम सभी गाते हैं, एवरीबडी नोज दिस कॉम्पोजिशन, जब ही सब निरपत निराश भय, कि कॉम्पोजिशन है, जब ही सब निरपत निराश भय, गुरु पद कमल वंदे रघु रघुवीर सब चाप समीप गए। तो जब तक आपको उसको मीनिंग नहीं पता, इसका इतना रस नहीं आता, यानी कि इसी का स्वयं का स्वयंवर का एक ये कॉम्पोजिशन है, विच बेसिकली मीन्स दैट सीता स्वयंवर में वन हु वुड लिफ्ट द हैवी बो, ही वुड बी सीता धर्तुम। ऑल द हीरोज दे वर इनकेपेबल ऑफ, इनकेपेबल निराश ऑफ लिफ्टिंग द बो, एंड देन लॉर्ड राम ही बोर्ड टू हिज गुरु, गुरु पद कमल वंदे, गुरु पद कमल वंदे रघुवीर लॉर्ड राम, एंड ही अप्रोच द बो चाप। तो ये देन आई स्टार्टेड टू सिंग दिस एवरी टाइम बिकॉज आई लव दिस सॉन्ग। स्वर है या मीन है, उसी को नी, ये हो गया शुद्ध कल्याण। भोपाली आई थिंक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट राग टू रेंडर इन द प्योर प्योर फॉर्म। टेल यू दैट इस बंदिश को टू फॉर्म में गाना टाइम लगता है, आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। अंतरा गाओगी तो समझूंगा मैं, हाँ अंतरा सुनाओगी शायद उसके बाद समझ आ जाए मुझे। अंतरा गाया ना अभी, एक बार फिर सुनाइए। गुरु की
रहता क्या बात, सो व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ एनालिसिस, व्हाट इज इट दैट यू थॉट? हाँ तो उसमें हमने क्या किया था, आई वुड सो मच लाइक दैट यू आर नॉट फ्रोजन, यू आर नेवर फ्रोजन, आई एम नेवर फ्रोजन, यू आर नेवर फ्रोजन, इट्स योर कंप्यूटर, इट्स माय. So, like that. I had chosen a few compositions on which I wanted to learn how to do analytical study of the composition. So, कुछ ऐसी compositions हमने choose किए थे ख्याल, अलग-अलग प्रकार की. अब अलग अलग प्रकार के माने क्या, ऐसे ख्याल जिनकी देखिए ख्याल तो बेसिकली ध्रुपद का ही बच्चा है ना, और उसमें वो सारे तत्व हैं, तो बहुत सारे ऐसे ख्याल हैं जिसके दो दो अंतरे हैं, तीन तीन अंतरे हैं. हाँ तो उनका एनालिसिस, कुछ कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन का एनालिसिस जो विच आर इनक्रेडिबली, पूरिया में है, आई थिंक आई रिमेम्बर पूरिया भी था, बहुत सारे राग थे उसके, कुछ बहुत मुश्किल कॉम्पोजिशन. और उस समय पे पिताजी का एक ITC के लिए और एक फोर्ट फाउंडेशन का भी बंदिशों को रिकॉर्ड करने का चल रहा था, तो बड़ा मजा आ रहा था इन सब काम करने में, बहुत मजा आ रहा था. एंड आई थिंक दैट टाइम मिस्टर कुमार मुखर्जी अंकल, he was also recording, so it was very beautiful, his analysis of why the phrase is kept like that, or for that matter Shah Sadarang jo khayal hain, mainly Shah Sadarang ke bahut gaaye jaate hain, right, par kyunki wo itne popular hain, there are also many many false khayals jiske upar lik diya hai ki wo sadarang par wo clear hai bilkul ki wo sadarang ke ho hi nahi sakte. Look at the text, the poetry, the way how they are composed, usse pata chal jata hai, whoever studies these compositions ya jo acha sikha hua hai usko immediately pata chal jata hai, this can't be Shah Sadarang. So we used to talk a lot about all these things. कुछ एग्जाम्पल दो ना, जो कंपोजिशन जो फेक सदारंग, जैसे पुराने वक्त में एक रवायत भी होती थी कि बड़े की इज्जत करनी है, मतलब बैलेंस भी ना हो, तो जैसे कबीर साहब की बहुत वाणी है या गुरु नानक देव जी की बहुत वाणी, जो नानक नाम लिख दिया, कबीर नाम लिख दिया, वो क्लियर है कि उनकी नहीं है, उनकी हो ही नहीं सकती. सो म्यूजिक फिर बताएंगे क्या कहा क्या. इसी तरह वाणी में जैसे कबीर साहब की वाणी है, उनके जाने के बाद उनके नाम पे बहुत लिखी गई, गुरु नानक देव जी के जाने के बाद लिखी गई. इट इज क्लियर जो उनको उनको जानते हैं, उनकी वाणी को जानते हैं, पता लगता है कि किसी उनसे इंस्पायर्ड किसी बंदे ने उनकी इज्जत करते हुए जो सबक समझा उसको पेन किया और एज ए ग्रेटिट्यूड भी लिखा है कि उन्हीं की कृपा से वो मिला है. तो इस तरह के कोई एग्जाम्पल्स दो हमें, जो इस तरह की एग्जाम्पल्स है जो विच आर नॉट एग्जैक्टली सदारंग कंपोजिशन, कुछ है कान में आ रही, ध्यान में आ रही है कोई? फेक कंपोजिशन मुझे नहीं पता. अरे नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी ही टॉट कि किस तरह से एनालाइज करना है. सो ओके, जो व्हिच इज आल्सो एक जलंधर में अपने मिश्रा जी है ना, हां अरुण मिश्रा जी, हां उनके पिताजी, उनके पिताजी हु पास्ड अवे रिसेंटली, या हां हु पास्ड अवे, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे रूप में कि किस तरह से कंपोजिशंस जो हैं ये उनके टेक्स्ट से ये पता चल जाता है कि वो शाह सदारंग के नहीं है, कि वो ओरिजिनल कंपोजर के नहीं है, एज यू राइटली सेड. तो शाह सदारंग की तुम्हें ऑफ कोर्स आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट यू वुडंट, आई मीन आई वुडंट बॉदर अबाउट रिमेंबरिंग थिंग्स दैट आर सीमिंगली हिज एंड नॉट एग्जैक्टली हिज, बट सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. I said, I'm not surprised that you wouldn't remember things that are not exactly of Sadarang, as I wouldn't myself be bothered to remember those.
But tell us about, now that we're talking about stylistic and compositional structure, how do you understand the musical structure and compositions, compositional, as a composer, the ability of a composer of Shah Sadarang? Tell us about him and how you see him and his compositions. तो उनके तो माय गॉड, तो ऐसे ऐसे कॉम्पोजिशन उन्होंने बताए, मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉम्पोजिशन जो हैं, वन व्हाई डू वी लर्न सो मच, आई एम सो सॉरी आई गेट लिटिल एग्जॉस्टेड बिकॉज मुझे इतना बात करने की आदत नहीं है, तो मुझे बियॉन्ड द पॉइंट इट्स डिफिकल्ट I टू know. But we'll get you to sing afterwards. Don't worry. आफ्टरवर्ड वी ऑलरेडी अभी तक क्या किया, अभी तो बातें हो रही थी, गपशप हो रही अभी थी बातें हो रही हमारी, थी. स्मॉल टॉक. हाँ So, हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अबाउट जो सदारंग, शाह सदारंग कंपोजिशनल लिखिवेन के परंपरा बंदिशें. मैं और डीपर एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग आप जो कह रहे हैं कि सूफी परंपरा में स्पेशली इन ग्वालियर देखिए, बंदिशों को हमें जब सिखाया जाता है कोई राग, तो बंदिशें सिखाई जाती हैं. जैसे मैंने पहले कहा कि बंदिश में छुपे हुए हैं अलग अलग कोड, अलग अलग रागों के राज, ऐसे राज जो कि वो तब खुलते हैं जब आप उस बंदिश को सीखते हैं. ये अंग भी हो सकता है, ये अंग भी, क्या बात है, इसमें ये मंत्र सब करता है. तो द्रुत ख्याल तो बहुत बने हैं, पर आप ये देखिए कि शाह सदानंद ने विरंबित ख्याल कितने बनाए, कितने बनाए, है ना, कितने ढेर सारों कि हाउ डिफिकल्ट, और सारे ख्याल अपने आप से जुदा, सबके मुखरे अलग, सबके अंतरे अलग, अलग अलग रूप के. सखी कैसे करिए जीना, कहे सखी कैसे करिए, या फिर इसको जब हम गाएंगे बिल्कुल जुदा जाएगा, या फिर बना रे बस नैया. नाउ ये टप्पे का पुट है विलंबित ख्याल में. ये आपने ये गुच्छा देखा ना कैसे था, बना रे ये ख्याल हैं जिनको अगर मैं कहूं कि इनको सीखने के लिए ही एक एक महीना लग जाता है बिठाने के लिए. और जैसे मैंने अभी भूख की जैसे बात की थी, मैं तो बेसिक राग की बात कर रही हूँ बिकॉज एवरीबडी नोज दोज राग. जैसे भूख मैं आपको आपके सामने गाया, जब ही सबन मेरा पतन, या फिर एक मैंने आपको अविर्भाव तिरोभाव बंदिश में ही है सुधे बोल सुनाया था, है ना. तो इसी प्रकार से कितने ही बैर भई ये देखिए भूख में क्या मुखड़ा है, ना बैर भई, या फिर विलंबित ख्याल. अब आपको मैं बताती हूँ अष्टपदी में, जैसे मैंने कहा ना कि पीपल हैव हर्ड अष्टपदी इज अ डांस, दे हैव हर्ड छोटा ख्याल में भी सुन लिया. जय जय देव हरे, वेरी पॉपुलर, राइट. अब इसी को अब मैं दूसरा रूप में बताती हूँ आपको, झूमरा में है ये. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग दिस इन बनारस,
I see. And I remember Rajan uncle had come. I see. एंड जो मंदिर में था कार्यक्रम, और इतने खुश हुए लोग, बिकॉज भाई मुंह जबानी पता है लोगों को अष्टपदियाँ, नाथ हरे जय नाथ, ये देखिए तो झुमरे में क्या खूबसूरत जाएगा ये। वाह वाह, आगे सुनाओ सो ना, इट्स रुक क्यों ब्यूटिफुल। गई? हाँ आगे सुनाओ ना, हल्का सा मुखड़ा सा सुना दिया। हाँ तो अच्छा, मैंने आपको सोचा मैं तुम दिखा, अच्छा, एक आई सी, क्योंकि झुमरे में ही आप आई देखिए थॉट यू कितना वर अलग सेटिंग अलग। द तानपुरा अप, आई डिडंट हाँ रियलाइज दैट। अच्छा, ऐसा है नो 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 नो, कि आई एम आई सी, शोइंग यू कि या किस प्रकार से, या व्हाट या या आई एम ट्राइंग टू शो इज व्हाई सिंगिंग एंड लर्निंग ऑफ मोर कॉम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन ग्वालियर वी हैव बीन टॉट टू अनफोल्ड द राग अकॉर्डिंग टू द बंदिश। सो which अकॉर्डिंग टू द isn't बंदिश हमारी गायकी जो है वो उस प्रकार से होगी, एंड इसीलिए ग्वालियर में इतने सारे कॉम्पोजिशन सिखाए गए। but actually what I think the other day also someone I was talking to about the compositions, I think पुराने ध्रुपद, पुराने, I'm talking about where the repertoire was, the key was to always improvise within a composition, in attendance to the compositions, structure, compositional structure, how the composition is sort of addressing the raag, so that monotony does not step in. There was a particular analytical reason, as me and Saxena would also talk. I addressed this particular idea with him a lot. And if you're Your voice, improvising, sorry, I'm sorry. Yo, I'm so sorry. Your voice is breaking. acha, let me Yeah, just will you come dial. again? Let me Okay. just dial again. Let me just dial again. I think there's some signal issue, maybe. अब फिर ठीक हो गया। हो गया ठीक? अच्छा, अभी ठीक हो गया। हाँ, आई सी। फिर बोलिए प्लीज। I'm आई just मिस saying यू सो that मच। the idea of improvisation also addressed the idea of monotony. When you have a particular composition, let's say, अब सारंग का वृंदावली में शुरू में ध्रुपद गाएगा जो पंचम पे नीचे मंद्र में सम है, और अखीर में 3 घंटे के बाद बारी आएगी बंदिशों की, जो तार सप्तक में हे माई सात 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 हर सात 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 साधा, यानी कि अब तार सप्तक में बंदिशों की स्थाई आ रही है। And the reason why the elders within the parampara gave, which Saxena Saab really appreciated that, ki there is a logic. It was to, again, that अगर एक ही बंदिश में आप सारा राग हर तरह का गा देंगे तो फिर बाकी क्या गाएंगे? So if there was a composition, they would say, they address the idea of monotony so that monotony doesn't step in, doesn't seep in. I think there was a very intelligent construct. अगर 2-3 घंटे एक राग गाना है, बंदिशें अलग अलग करके अलग अलग रस लाते थे, अलग अलग साहित्य लाते थे, उसमें अटेंड करते थे उस राग को और साहित्य को, दोनों को। अच्छा, टप्पे का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्वालियर की परंपरा में? टप्पा जो गायकी है उसका जो एडवेंट I think we आया, spoke in the beginning itself. I first spoke in मैंने आपको कुछ कॉम्पोजिशन भी बताई, जो कि मैंने आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन ही बताई हैं। अभी तो टप्पा मैंने आई डिडंट इवन टच दैट। यू सो ओनली माय सैंग योर You only sang an Ashtapadi with a tappang. You have not, I am to, yet to come, as I mentioned, I want to address, because there will be no conversation complete if I don't talk to you about tappa. So I'm coming to that now. So my question is different than before, the discussion that we had, is what do you think is the contribution of tappa as a genre to the parampara of Gwalior? I okay. I think we spoke. I spoke and in depth about it. That
टप्पा जो है वो इतने खूबसूरती से इट इट वाज आई वुड से उसको ले लिया हर हर विधा में, हर जॉनर में. जैसे कि आपका तब ख्याल हो गया, तब ठुमरी हो गई, अष्टपदी मैंने आपको वो सुनाई है ना, और तब तराने हैं, अलग अलग रूप में जो है हर चीज में है. टप्पे तो अपने आप में है ही, बट इन ग्वालियर टप्पा बस सेलिब्रेटेड, दिस इज व्हाट आई वांट टू. उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हुई, और पॉपुलैरिटी ऑफ टप्पा जो है आपको अलग अलग प्रोविंसेस में भी दिखती है. जैसे कि बंगाल में है ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जी ने, उन्होंने टप्पे जो है अपने रविंद्र रविंद्र संगीत और नजरुल गीति उसमें उसमें यूज किया है. निधि बाबू ऑफ बंगाल वाज सो एनामर्ड बाय दैट स्टाइल कि उन्होंने एक्चुअली ही इनफैक्ट कंपोज मेनी टप्पाज इन बंगाली. हाँ, और ये जो है जैसे मैंने आपको कहा कि ग्वालियर में टप्पा तो इट इज बड़ा ही बहुत ही पॉपुलर हुआ. इट रियली टुक इट इन ये कब इट्स आया? व्हेन डिड टप्पा कम इनटू द ग्वालियर परंपरा? छोरी मियाँ के समय. एट द सेम टाइम, दैट्स 19th सेंचुरी, इज दैट राइट? हाँ, या ऐसा माना जाता है कि वो, और उनके जो कॉम्पोजिशन है निहायत ही बहुत ही खूबसूरत हु कॉम्पोजिशन. फर्स्ट इज द मियाँ निसार हुसैन खां और नियामत अली और आई मीन सदारंग, दे देमसेल्व्स स्टडीड फ्रॉम मियाँ शौरी, और हु वाज़ द फर्स्ट पर्सन? I mean, it came through whom? Is it remembered? Does तो anybody? शोरी मिया वाज द सन ऑफ गुलाम नबी है ना. तो और उनके शोरी मिया के दो शिष्य हैं, मिया गम्मू और तारा चंद जी, जो कि बड़े फेमस हुए. और मिया गम्मू खान साहब के बेटे शादी खान थे, जो कि टप्पा के बड़े एक्सपर्ट थे. हाँ, और टप्पा जो है इस प्रकार से जो है वो इस प्रकार से वो आया. और साइज ऑफ ख्याल, तराना, ठुमरी, अष्टपदी, पद, दे ऑल हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टप्पा. इनफैक्ट आपकी कोई सहेली है, कोई सुनंदा शर्मा करके नाम है, उन्होंने हेलो भी आपको किया, मुझे नहीं किया, मतलब आपको ही हेलो किया। सुनंदा सुन रही हो ना? मैंने अब हमारी कट्टी है पंजाब की कुड़ी ते मेरे नाल लेंदी पंगे। अच्छा, दूसरा वो कह रही है कि बनारस में भी टप्पा गाया गया, पंजाबी टप्पा गाया। वो बिल्कुल विदुषी गिरिजा देवी जी भी गाती थी और कईयों कईयों से मैंने सुना। तो टप्पे कुछ सुनाओ ना, टप्पे कुछ सुनाओ अब हमें। यू आर टॉकिंग आफ्टर 2 आवर्स ऑफ टॉकिंग, विच इज वेरी अरे, अनफेयर, विच इज वेरी अनफेयर, यू नो दैट हमारी लड़ाई हो वेरी अनफेयर. जाएगी। नहीं, बहुत अनफेयर है. हाँ इट्स नॉट अनफेयर यार, वी टॉकिंग ऑफ, यू नो हाउ माई कॉन्वर्सेशंस गो, नहीं, वो ठीक है, देर बट नॉट दोज देखिए इंडियन गाने, 45 मिनट और सवा हाँ घंटे वाला देखिए क्या मामला है, नहीं ऐसा है। है ना कि गाने वाले जो हैं, जो परफॉर्मर्स है, कम बात करते हैं. पहली बात, मैं बहुत कम बात करती हूँ. अच्छा, मतलब जितना मेरे दो ऊपर घंटे टिप्पणी है? दो दो आर यू घंटे दो एक्यूजिंग घंटे मी, बात इज करना. आर यू एक्यूजिंग मी ऑफ नॉट बीइंग अ परफॉर्मर? नो, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज हार्ड फॉर मी टू स्पीक सो मच, यू नो, एंड देन आल्सो परफॉर्म. सो अरे सुनंदा, झूठ टॉकिंग बोल रही है। ऑफ आपको भी, आपको भी बलदीप जी, लुक एट दिस, मतलब हेलो तुम्हें की, मतलब अब बाद में जब मैंने लड़ाई की तो कह रही आपको भी। ये कौन सी हेलो होती है बताओ, तुम ही बताओ मीता। नहीं, आपको तो सभी लोग बहुत हेलो करते हैं क्योंकि आपको सब बहुत प्यार करते हैं, झूठ बोले कौवा काटे, और काले आप कौवे से इसलिए प्यार डरियो। करते हैं, इसलिए मोहब्बत से सभी, यू नो, वे एंजॉय टॉकिंग टू यू, एंड यू आर सच अ वंडरफुल, एंड आई टू ऑल द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग, जो आप सभी जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, हमारे भाई बलदीप सिंह के ये बड़े बड़े फैन, मैं उनको बताना चाहूंगी कि मैं इनकी बड़ी मुरीद हूँ, क्योंकि इतने महीनों से ये जो जिसे कहते हैं द वे हाउ ही इज कंडक्टिंग दीज, आई डोंट नो हाउ ही डज दैट, हाउ मच ही स्लीप्स, इट्स आई समटाइम्स गेट वेरी वरीड कि यू नो हाउ इट्स गोइंग टू, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना है कि नहीं, बिकॉज इट्स वेरी टैक्सिंग टू टू डू दिस. सो टू ऑल द व्यूअर्स हु आर सीइंग
यू हैव हर्ड मी सिंग द टप्पा इन अ परफॉर्मेंस एंड मैं आज माफी चाहूंगी 2 घंटे बात करने के बाद, बिल्कुल गला टप्पा गाने के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं होगा। Look at this, look at this. So, let me now introduce, giving her a little bit of breather. Friends, those of you who are joining from across the world, my conversation in the 120th Mela of the Yaranath Virtual Bedeck series has been on for a while now, which my very dear enemy, sworn enemy, Vidushi Beata Pandit has been now having a very iffy look about the numbers. She's been counting as if the minutes, and it's going to be an issue for a long time now between me and her. Anyway, now let me share a couple of thoughts about her introduction, which I have not yet done. Vidushi Beata Pandit is an exponent of the Hindustani classical vocal music of the Gwalior Gharana. She's the granddaughter and disciple of her grandfather, Pandit Shankar Rao, Krishna Rao Shankar Pandit, and daughter of Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit. She represents the sixth generation of her family's musical legacy and is the first woman in her family to make a career in music. Over 25 years, Pandit has performed widely at prestigious stages in India and abroad, and she holds a PhD in music. In addition to her numerous recordings, she is the author of the monograph India's Heritage of Gharana Music, Pandits of Gwalior. Her international collaborations include Strauss, reflected at London's Cardigan Hall, and she has lent her voice to the films Silent Waters and No Man's Land. Meeta Pandit is a top grade artist of All India Radio and the recipient of numerous awards, including the Sangeet Nara Academy's Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar and the accolade, the Golden Voice of India. Dosto ji aaya nu tuhanu tusi khair meri jehdi vaarta hai Vidushi Beata Pandit ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆ ਵਾਰਤਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਲੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹਨਗੇ, संगीत दे सेवक हनगे, संगीत दे जिहड़े जिहनूं साधक हनगे, ओह इस परिवार की विद्वता दे नाल सारे जाणू हनगे। हरवल्लभ का मेला और इन्हां दे दादा दा आना अपने आप च तवारीख भरिया हुंदा है। गाथावां ने उन्हां बैठकां दी, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित होनी जदों आंदे सी, उन्हां दे, इन्हां दे पिता जी दा, उन्हां दे अपने पिता दे नाल कट्ठिया गाना, ओ छोटी उम्र तों, क्योंकि मेरे कजन वड्डे, बहुत वड्डे कजन से, मेरे उम्रों बड़े वड्डे सन, सरदार बलबीर सिंह कलसी जिहड़े आगरा घराना दे नाल संबंधित सन, मेरे कजन और मीता उन्हां दे फादर, उन्हां दी आपस में पंजाबी बड़ी सोहणी बोलदे, यू नो हर डैड स्पीक बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। मैं उन्हां नाल हर दफा पंजाबी च छेड़दा हुंना, गपशप करदा हुंना। सो वो सारिया ने यानी कि कई विद्वान सन पिछली पीढ़ी दे, यानी कि मेरे और मीता दे फादर की जिहड़ी पीढ़ी है, वो कट्ठे वड्डे हुए ने। जदों छोटे छोटे सिख्यार्थियां तानपुरा चखना अपने वड्डियां दे नाल, वो कट्ठे फिर बहना, पहलियां मुलाकातां, पहली बैठकां तो याद है लोगों नूं कि सब तो पहली बैठक छोटी छोटी उम्र च किदां तानपुरा छेड़िया, पहली आवाज़, पहली पंचम कदों लगी, इदां दीआं गल्लां सुणदे, एक दूजे नूं देखना, फिर मशवरे होने, फिर वड्डियां दीआं गल्लां सुनना। सो पंजाब दी जिहड़ी धरती है और संबंध है जिहड़ा ग्वालियर दे नाल, मीता उहनां नाल अज वार्ता करदे आं, तुसीं देखिआ कि पंजाब दी कई वनगियां जिहड़ियां हनगियां उह अलग है। वेद ने पंजाब च लिखे, नाट्य शास्त्र प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी होणा मुताबक कि पंजाब दा लिखिआ गिआ शास्त्र हैगा। कई जणे कहिंदे, उह बकौल उहनां दे कहिंदे, साउथ वाले घसीटदे ने अपने इलाके च, पर लिखिया पंजाब च गया। पंडित प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी बड़ी वड्डी हस्ती ने, कश्मीरी शैविज़म ते उन्हां दा काम हैगा। सो पंजाब दे विच जिहड़ी अज मीता उन्हां ने साडे सारे नाल सांझा कीता कि जिहड़ा टप्पा, जिहड़ा बनगी फगवाड़े दे मियाँ शौरी, वो जाके फिर बनारस भी रहे, कई थावां ते उन्हां दे शागिर्द बड़े फैले, वो एक संवाद आदान प्रदान जिहड़ा। तो शोरी मियाँ जो है
लखन पीरबख्श जो है ही सेटल्ड इन द उन्हीं के जो ये हैं, ये सेटल्ड इन ग्वालियर, उसी प्रकार से महाराज देखो दौलत राव सिंधिया के आए। दैट्स हाउ दिस स्प्रेड आउट. पुराने वक्त में दैट्स हाउ लोग स्प्रेड जाते थे, हाँ जाते थे, विद्वान फैलते थे, एम्प्लॉयमेंट थी कोर्ट म्यूजिशंस में. बिल्कुल, ओ दसवें ने के में वो आके सेटल किया उन्होंने ग्वालियर विच. और एंड ही बिलोंग लखन पीरबख्श। हाँ गुरु बिल्कुल हरगोबिंद का तो वहां कैद भी रहे, 52 कलियां लेकर 52 राजे मुक्त किए थे. बहुत पुराने वक्त में गुरुद्वारा भी है किले के अंदर जहाँ पे गुरु हरगोबिंद जो छठे गुरु थे ग्वालियर में. सो पंजाब का बहुत पुराना संवाद भी रहा. और हम जो देख रहे हैं आज, जो देख रहे हैं उस संगीतात्मक जरा संवाद हैगा, आदान प्रदान है. और पंजाब के नाल मैं दस रहा तुहानू कि पंजाब का पंडित परिवार के नाल बहुत ही निघा रिश्ता है, एज जड़ी जड़ी एक प्यार जड़ा. और बड़े लाड नाल मीता होना दे दादा होना नू, खास करके पड़दादा होना नू सुनिया होया. सो मैनू बड़ी अज खुशी है कि तुसी इस वार्ता दा, दो परंपरावां दा जिहड़ा एक मिलन है, हम वार्तक हो रही ने और यादा फरोल रही ने बड़े, लेकिन मेजर्ड, बड़े मापदंड दे तरीके नाल, बड़े बड़े जिहनू कही मेजर्ड अंदाज नाल. मैनू आस है तुहानू ये वार्ता अच्छी लग रही है. So Meeta, I've given you a breather, so I want to hear a tapa. कौन सा सुनाओगी ये बताइए, कि भैरवी का सुनाओगी, काफी का सुनाओगी, जिला का सुनाओगी, कौन सा सुनाओगी, या कोई ऐसा जो मैंने सुनाई ना हो वो सुनाओगी. कौन सा याद आ रहा है सबसे पहले, दस्तक कौन कर रहा है? मैं कोशिश करती हूँ। परमात्मा कृपा करे. खूबसूरत, और जैसे कहते हैं ना, नगीने से जड़ा हुआ, तो खाली एक मुखड़ा गाया है, और वो मुखड़ा भी कितने सारे इसमें पक्ष हैं, स्पेशली जो कहते हैं यू नो लाइक द सर्पेंटाइन मूवमेंट, जैसे नाग की तरह वाह, चले, दिल लगा जमा है, मुर्की है, खटका है, यू नो छूट की तान है, और
दे आर तांज विच आर लाइक रोलिंग लाइक दैट, लाइक ऐसे करके आ रहे हैं. तो ये तान ख्याल से जुदा है. और इसी प्रकार से जो है मैंने ऐसे बहुत सारे कॉम्पोजिशन प्रस्तुत किए जिनमें कि ख्याल इन गप्पे का पुट है ऐसे इन कॉम्पोजिशन में. कुछ उदाहरण अगर दे सकें. हाँ दिया था, अष्टपदी का दिया था. अष्टपदी का तो दिया, ख्याल का अगर दे सके, तब ख्याल टप तराना जैसे है. जैसे कि विलंबित ख्याल में दिया था आपको, बन रे बलैया है जो पुट है उसी प्रकार से है. ऐसे अनेक कॉम्पोजिशन हैं जिनमें की टप्पे के पुट हैं और जिसके लिए ग्वालियर गायकी जानी जाती है कि क्यों टप्पे को इतना इतना खूबसूरती से उसको संजोया गया है. इट हैज बीन टेकन एज इट्स ओन. और दूसरी बात है कि पंजाबी भाषा इतनी खूबसूरत भाषा है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं. अच्छा. पर भाषा इतनी मुलायम, इतनी खूबसूरत कि क्या कहें. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज सो पॉपुलर. हालांकि हम लोग पंजाबी में ख्याल भी हैं, मारवाड़ी में भी है, पर पंजाबी के सबसे ज्यादा है. ब्रज के बाद, ब्रज के बाद पंजाबी. कोई कुछ एग्जांपल कुछ दे सके अगर. आई एम सो सॉरी, इट इज really beyond. I don't want to exert my voice. I am not used to talking this much. It's okay. Yeah, yeah. Not a problem. But we'll continue next time. I'll yes, want you yes. to this the yes, second part. कि मैं थोड़ा सा ये अर्थ करना चाह रही हूँ और हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाह रही हूँ कि देर आर सो मेनी ख्याल में ही. आज हमने आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ख्याल टुडे और वी हैव नॉट इवन टच तराना टुडे. सो ग्वालियर में इट इज वेल नोन फॉर इट्स ट्रेजर हाउस ऑफ कॉम्पोजिशन एंड द डिफरेंट जॉनर्स एंड द जॉनर्स टू प्रेजेंट इट एंड एनालाइज इट and put it in front of you all requires, you know, a certain time to unfold one by one. Because मैं जिनके सामने बैठी हूँ, हमारे बलदीप भाई, you know, he बड़े अच्छे अच्छे तरीके से वो निकालते हैं चीज़ों को. तो आप उस पर्टिकुलर जॉनर में आप रह जाते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम कभी इस तरह से करते जाएँ जिससे कि ये जो अलग अलग जॉनर्स हैं उनकी खूबसूरती आती है. I think this is that will be wonderful. Also we've not spoken about the pedagogy, the structure of education, yeah, and so exactly. on and so forth. We'll cover that. Yes. I think I was thinking, given that we were speaking about that you requested not to be on too much beyond 2 hours range. I know I was just teasing you. We had already spoken about that. And just to share with everyone, wo meri ladai to chalti rehti hai, but the point that me and Meeta had discussed that we would do in 2 or 3 or 4 parts whenever, you know, we can sneak time out. And today, of course, is the first introduction. And then we will delve into much more, sort of many, many subjects in detail. Maybe subject specific, maybe genre specific. We will look, maybe we'll perhaps look at that. But thank you, Meeta, that you took time out. तुमने समय निकाला, हमारी गुजारिश, हमारी गुजारिश आपने कबूल की, इस नाचीज की गुजारिश आपने कबूल की. आजकल बहुत कम मौका मिलता है इन बातों के बारे में बात करने का, और जो बातों के बारे में बात करने का मिलता है वो तो कुछ कुछ ही बातें होती हैं. So to talk about a tradition which is coming from hundreds of years, जो इतनी पुरानी परंपरा है, परंपरा आज भी इतनी खूबसूरत चल रही है, उसके लिए उसमें एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, तभी हो रही है. और इन सब बातों को धीरे धीरे करके उजागर करना, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे बड़े भाई बलदीप सिंह जी के, जो कि इस प्लेटफॉर्म से इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ही इज गिविंग सच वंडरफुल इनपुट्स विच आर सो एंजॉयबल. Thank you so अभी much. तारीफ की मेरी. अच्छा करो करो. इतनी कंजूसी का है कि नहीं, आपके तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. कम है. उतनी कम है क्योंकि मैंने उतनी कम है. Because this is a very great
in-depth talk, and in-depth talk इतने frequently नहीं होते हैं, तो अच्छा लगता है जब हम अपने बुजुर्गों के बारे में, और we are talking of the aesthetics of that art, the aesthetics of why that style is so relevant today. और मैं फिर कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्टाइल रेलेवेंट रहने के लिए उसमें बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, तभी वो रहती है. नहीं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी चीज़ें नहीं चलती. अगर कोई चीज़, कोई जॉनर इतने जनरेशन चला है, आज भी गाया जा रहा है, लोग उसका रस ले रहे हैं, उसका स्वादन कर रहे हैं, तो ये एक उन कंपोजर्स की और जिन्होंने इसकी उसका वजूद बनाया है, उनका बहुत बड़ा कंपोज. रेलेवेंट कैसे रखते हो आप, मतलब कैसे रह सकती है नॉलेज रेलेवेंट? उसको सिर्फ अच्छी तरह से समझ कर जिया जाए तो रेलेवेंट रहती है, या कुछ करना पड़ता है उनमें रेलेवेंट? ऑल्सो इसको आपको आज का जामा भी तो पहनाना पड़ता है ना. कोई भी कला, ये उस जमाने का है, आप वैसे का वैसे तो नहीं ले सकते. आर्ट वही है, क्रिएटिविटी वही है, जो हर व्यक्ति का एक अपना क्रिएटिव व्यू होता है, और अगर वो क्रिएटिव, इफ इट इज क्रिएटिव इनफ, जिसमें रस इतना है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तभी वो चलती है. बिकॉज द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. अगर वो अच्छा बना ही है, अगर उसमें रस है, तभी चलेगा. इट इज द ऑडियंस हु डिसाइड दैट. ऐसे कितनी ही चीजें आई और चली गई, तो यही मेरा निवेदन है. आई थिंक, हाँ कहो. यही मेरा निवेदन है. यू नो, चीजों का जाना, यूजुअली मैं देखता हूँ कि अगर जो लोग समझकर, जैसे प्रोफेसर सक्सेना का, योर इंटरेक्शन विद हिम, व्हाट हेल्प्ड, इट हेल्प्ड यू टू यू नो मर्ज बोथ द हेरिटेज व्हिच यू ऑलरेडी हैड and the aesthetical analysis, which one of the finest listeners, as Professor Saxena was, and analysts and philosophers, the way he is he brought in that idea of analysis, for example, and he would share it, he's written so much about it. And I think a musician who's just a musician and a mere mechanic, at times things become boring in their hands and they lose relevance. But I've seen music when it is the hands of people who are aware of the worth, the value of what they have, and uske jo johar dikha sakte hain, who can actually showcase the features in a way, explain to the listener. I think they are able to educate the listeners, because listeners go, no? Every 5-10 years people change, so that constant education, if we think that, oh, I have sung a concert today and 5,000 people were sitting, so I sang some beautiful stuff, I spoke beautiful lines and I shared something, and if I think 15 years later there would still be the same people in the audience, it's not. So every performance, it's part education and part performance. I think perhaps that is how relevant they remain, or is there any other formula in your mind? That's the reason. Okay. राग क्या है तुम्हारे लिए? जाते जाते एक दो जल्दी जल्दी चीजें बताती जाओ. राग क्या है? ठीक है. All right. Thank you so much for joining. We'll keep these questions for the next time when we meet. थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स, सभी दर्शक, आप ही के वजह से हम हैं, और आप अपनी आशीर्वाद और अपनी दुआओं में मुझे रखिए, हमारे भाई बलदीप सिंह जी को रखिए, और बहुत बहुत धन्यवाद. प्रोफेसर रंजीत सिंह जॉइनिंग फ्रॉम लॉस एंजलिस इज सेइंग के बहुत खूब रस भरपूर आवाज, एल के पंडित दी याद ताज़ा हो गई, रब रखा उनके पुराने, वन ऑफ द फाइनेस्ट तबला एक्सपोनेंट्स, student of Ustad Sahib Bahadur Singh, and he has also sent you his response and blessings and prayers, and many, many others, of course, many of your
friends and to fans and everyone who students. is here, and I'm not able to even see that. So I thank from the bottom of my heart to everyone who has joined. And keep us, keep me in your prayers, and stay well, stay home, stay safe. Thank you, Mita. I'll talk to you soon. Thank you for taking time out so very kindly and sharing your some of your wealth. Be well. So, दोस्तों ये मेरी वार्ता सी विदुषी मीता पंडित होना दे नाल आई होप तुहानू अच्छी लगी ये चो तुसी लाहा खटोगे तुहानू ये विचों कई जौहर मिलनगे तुहानू इंस्पिरेशन मिलेगी यही आस सी और कल दी जड़ी मुलाकात है वो मैं दस दिया कल शामी 5 बजे मेरी मुलाकात होएगी बड़े कवि हन के दुनिया दे सुदीप सेन होना दे नाल कल 5 बजे तुसी काइंडली टाइम नोट कर लो मेरी इन्हां दे नाल जड़ी मुलाकात होएगी तुसी लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द इमेज हियर इट इज दिस इज द इमेज हियर वी हैव There we are. This is my guest for tomorrow, one of the finest poets of the world today, Sudeep Sen. In the photography de vich bhi ina da kafi dakhal hai. Aap likhde bhi hange, likhade bhi hange. And kal tusi kindly sama note karna. Friends, my conversation tomorrow will be with the poet Sudeep Sen, who's also a writer and a photographer. And it'll be 5 p.m. tomorrow evening, Sunday, August 16th. I hope that you will take time out and join me tomorrow. So I hope, dosto, aaj di mulaqat, I hope you enjoyed the conversation today with Vidushita Pandit. I was trying to stretch the time. There's so much to discuss, so much to ask. But of course, she had told me that we not go very long. We'll be conversing in parts with her. That was part of my tease. Always goes on. I was just teasing her by stretching, trying to make her angry as if. But anyway, tomorrow, until tomorrow, have a wonderful, wonderful evening. Thank you all for joining, and I'm grateful for your conversation, for your comments, and above all, you know, the time that you've spent with us. May you be blessed, may you be happy, and I'll see you tomorrow. Until then, Khuda Hafiz, Namaskar, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, Buonanotte, good night, enjoy your Saturday night meal, and I'll see you tomorrow with the poet Sudeep Sen. And by the way, we have two films on Sudeep. One will showcase, I saw it today, dancer Shobhana Narayan. She is a stunning short film, which Sudeep Sen is reciting his poem. And Pandit Jasraj's voice is also there. I love the pace and the intensity of that. And then there's a second film which was produced by actor Ramanjit Kaur. Silence. That's something. And I've requested Ramanjit to come in tomorrow and share that film. It has been shown at some of the literature festivals around the world. It has won a few awards as well. But we'll talk about that as well tomorrow. So we'll have that added feature as well tomorrow. I'm glad that Ramanjit Kaur has accepted my request to take time out and join me and poet Sudeep Sen. So we'll see you tomorrow at 5. Bye-bye. Sat Kaul.